Hello friends, good morning. I am Naval and you are watching Manav Feature Pan channel. Friends, आज मैं आपके लिए SSC GD का एक प्रैक्टिस सेट लाया हूँ जो कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है. फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात और बताता हूँ कि SSC GD में जो इंग्लिश आती है वो आती कम से 20 से लेके 25 तक के 20 से 25 तक आती है. तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको करा रहा हूँ वो है 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के ही. जो आपके 5 नंबर का जो क्वेश्चन रह जाएगा वो मैं अगले चैप्टर में कराऊंगा, वो है पैसेज. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को. देखिए, डायरेक्शंस इन क्वेश्चंस नंबर 1 to 5. सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट. फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर एंड ब्लैकन द कोरस्पॉन्डिंग टू द एप्रोप्राइट लेटर ए बी सी. इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, ब्लैकन द ओवल कोरस्पॉन्डिंग टू इन द एरर आंसर शीट. देखिए, मैं आपको साफ साफ समझाता हूँ. इतना बड़ा आपको मैंने पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आया होगा. मैं साफ साफ समझा रहा हूँ आपको कि एक सेंटेंस दिया होगा और उस सेंटेंस में ऑप्शन वाइज क्वेश्चन दिए होंगे ए बी सी डी. क्लियर? अब आपको गलती निकालनी है एक सेंटेंस में. गलती कहाँ पर है? ए वाले ऑप्शन में गलती है कि बी वाले में है कि सी वाले में? अगर आपको लगता है ए बी सी इन तीनों में कोई गलती नहीं है, डी वाला है यानी डी में कल होता है नो एरर, कोई गलती नहीं है, तो आपको डी लगा देना है. तो देखते हैं क्या होता है. अकबर वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग दैट इंडिया एवर हैड, नो एरर. बताइए, ए पार्ट में गलती है, बी पार्ट में कि सी पार्ट में कि डी पार्ट में? कौन से पार्ट में गलती है? देखिए, इसके बी वाले पार्ट में गलती है. क्या गलती है? अकबर वॉज वन ऑफ द, अब देखिए जहाँ पर वन ऑफ द लगाओ, जहाँ पर वन ऑफ द लगाओ तो जो नाउन है, इधर नाउन है वो प्लूरल होती है, तो यहाँ किंग की स्थान पर क्या आएगा? किंग्स आएगा. तो इसका हो जाएगा अकबर वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग्स दैट इंडिया एवर हैड. क्लियर? आगे देखिए, द बंच ऑफ कीज हैव बीन लॉस्ट बाई माई ब्रदर सॉरी बाई माई मदर अर्ली इन दी इन द मॉर्निंग, नो एरर. बताइए इसमें क्या गलती है? चलिए फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको, इसमें बी वाले में गलती. क्या गलती है वो देख लीजिए. देखिए, जैसे लिखा द बंच ऑफ कीज हैव, अब यहाँ पर हैव लगाए, लेकिन यहाँ पर हैव के स्थान पर लगाना होगा हैज. क्यों लगाना होगा? अगर ऑफ दिया हो और ऑफ से पहले इधर प्लूरल दिया हो और इधर पहले सिंगुलर दिया हो तो आपको जो वर्ब लगानी है ना वो ना लगे इसके अनुसार, पहले वाले के अनुसार लगानी है. यानी जो ऑफ दिया हो और इधर भी नाउन और इधर भी नाउन तो आपको दूसरे वाले नाउन के अनुसार नहीं लगानी, पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब लगानी है. तो हैज के स्थान हैव के स्थान पर क्या आ जाएगा? हैज. तो यहाँ कहाँ पर गलती है? यहाँ पर हैज आएगा. आगे, वी ऑट सर्व अवर एल्डर्स इन द फैमिली, नो एरर. अब बताइए इसमें गलती क्या है? चलिए फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ यहाँ पर ए वाले में गलती है. क्या गलती है? कि जब हम ऑट का प्रयोग करते हैं तो ऑट के साथ हमेशा टू का यूज होता है, तो ऑट के बाद यहाँ टू नहीं आया है, इसे टू आएगा. आगे, ही इज, फोर्थ क्वेश्चन, ही जम्प्ड इन द रिवर, हु ही जम्प्ड इन द रिवर टू सेव द ड्रोनिंग
चाइल्ड नोयरर, बताइए गलती क्या है। देखिए इसमें बी वाले में ऑप्शन में गलती है, क्या गलती है, ही जम्प्ड इन आया ना, यहाँ पर इनटू आएगा। इनटू क्यों आएगा, क्योंकि जब गतिमान अवस्था में किसी चीज़ के अंदर जाते हैं, गतिमान अवस्था में किसी के अंदर जाते हैं तो इनटू का प्रयोग करते हैं, तो क्या रहा है, ही जम्प्ड वह कूदा इन द रिवर, कहाँ पर, नदी में, नदी में। टू सेव ड्रोनिंग चाइल्ड यानी डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए, अब वह जब नदी में कूदेगा तो गति करके जाएगा और कहाँ जाएगा, नदी के अंदर, जब गति करके अंदर जाते हैं तो उसके लिए इनटू लगाते हैं, इन नहीं आएगा, क्लियर। आगे देखिए, हरी अप लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन नोयरर, बताइए गलती क्या है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में गलती है आपकी। अब इसमें गलती क्या है, गलती ये जब लेस्ट का यूज करते हैं, लेस्ट का जो यूज होता है वो जो हिंदी मर्द होता है वो होता है कहीं ऐसा ना हो कि, जब लेस्ट का यूज करते हैं तो उसको सेकंड वाले सेंटेंस में शुड का प्रयोग करते हैं, शुड नॉट का नहीं, क्योंकि लेस्ट लगाने पर वो खुद ही नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पर शुड नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, शुड आएगा, नॉट आठ जाएगा यहाँ से, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, ये लिखा इन क्वेश्चंस नंबर 5 to 10 यानी 5 से 10, सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू फिल्ड इन विद एन एप्रोप्राइट वर्ड्स, फॉर अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट बाय ब्लैकनिंग द एप्रोप्राइट ओवल इन द इन द आंसर सीट, यानी कहने का मतलब है आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है और उस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जैसे ये दिया डाउन, आफ्टर, फॉर, अपॉन, इस तरह से दिए जाएंगे, आपको उस सेंटेंस में खाली स्थान दिया जाएगा वो आपको फिल करना है, क्लियर हो गया ना फ्रेंड्स। देखिए जैसे लगा ही जनरली लुक्ड डेड डेस ऑन द पुअर, तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा आप बताइए, डाउन आएगा, आफ्टर आएगा, फॉर आएगा कि अपॉन आएगा, क्या आएगा, इसमें आएगा डाउन, ही जनरली लुक्ड डाउन ऑन द पुअर, ये फ्रेजल वर्ब है, क्लियर। आगे दे वॉक्ड डेड डेस द ओल्ड पार्ट ऑफ द हाउस, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा अराउंड, क्यों, दे वॉक्ड वह घूमे द ओल्ड पार्ट ऑफ द हाउस यानी घर के पुराने घर के भागों में, तो पुराने घरों के भागों के अंदर जब घूमेंगे तो उसके लिए एक घर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएंगे, दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट में जाएंगे, यानी चारों ओर घूमेंगे, तो चारों ओर के लिए क्या लगाते हैं, अराउंड, क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, अराउंड। आगे आई सेल बी ओबिलाइज्ड डैश डैश यू हैव यू फॉर द हेल्प यू एक्सटेंडेड टू मी, बताइए क्या आएगा इसमें, मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, इसमें आएगा टू, टू क्यों आएगा, देखिए जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ओबिलाइज दिया जाएगा ना, ओ बी एल आई जी ई और नो दिया जाएगा, तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाय नहीं लगाते हैं, बाय के स्थान पर टू लगाया जाता है, क्लियर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको यह विस्तार से समझना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कार्ड में भी डाल दूंगा, क्लियर, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बताया था, सिक्स वाले में डाउन आएगा और सेवन वाले में अराउंड आएगा और एट्थ वाले में टू आएगा, ये क्लियर हो गया ना। देखिए ये एक फ्रेज वर्ब है, मैं मानता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लुक डाउन का जो हिंदी मर्द होता है
होता है दाम घटाना। क्या होता है? दाम घटाना। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, इनका कोई रूल्स नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, जैसे लिखा डोंट लाफ डैडेस अदर्स मिस्टेक, यानी कभी दूसरों की गलती पर मत हंसो, यानी दूसरों की गलती पर मत हंसो। ऑप्शन में आया एट, फॉर, अगेंस्ट, अबाउट, क्या आएगा बताइए? एट आएगा। क्यों? लाफ, स्माइल, नॉक, इनके साथ हमेशा एट का यूज होता है, हमेशा एट का यूज होता है। तो लाफ एट का जो हिंदी मतलब मजाक उड़ाना, क्या होता है? मजाक उड़ाना। नेक्स्ट देखिए आगे, द चिल्ड्रन शाउटेड डैडेस द टॉप ऑफ देयर वॉइस, इसमें क्या आएगा? चलिए फ्रेंड्स बताते हैं, इसमें आएगा एट, शाउटेड एट, इसका मतलब होता है शाउटेड, जो एट शाउट के साथ में जो एट लगा है उसका मतलब होता है चिल्लाना। क्या होता है? चिल्लाना। ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये भी आपको याद करनी पड़ेगी। क्लियर फ्रेंड्स? आगे देखिए, इन क्वेश्चंस नंबर 11 to 13, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट, यानी आपको इनका मीनिंग एक्सप्रेस यानी जो अर्थ है वो प्रदर्शन करना है। कहने का मतलब समान अर्थ ही ढूंढना, जैसे कि कलर मिस रंग होता है, ठीक है, इसी की दूसरा मीनिंग्स जो होता है वो होता है जैसे कि कॉलर, HUE ह्यूमिस भी रंग होता है, इसी प्रकार से ये बताने आपको। तो देखिए ये लिखा फर्टाइल, इसका जो हिंदी मर्थ होता है वो होता है व्यर्थ। फ्रूटफुल, जो इसका जो हिंदी मर्द होता है वो होता है उपजाऊ। डिफिकल्ट, कठिनाई। यूजलेस, इसका मतलब होता है बेकार या व्यर्थ। तो प्रोडक्टिव, इसका जो हिंदी मर्द होता है वो लाभकारी। तो बताइए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए चारों ऑप्शनों की हिंदी बता दी, इसमें से क्या होगा? इसका सी होगा। क्यों होगा? मैंने आपको बताया था फर्टाइल का जो हिंदी मर्द होता है वो होता है व्यर्थ, और यूजलेस का जो हिंदी मर्द होता है वो बेकार या व्यर्थ। क्लियर फ्रेंड्स? आगे डिसगस्ट, डिसगस्ट जो इसका हिंदी मर्थ होता है वो होता है नाराजगी, घृणा, नाराजगी या घृणा। क्लॉथिंग मीन्स होता है पहना या पहना हुआ वस्त्र। लॉथिंग, लॉथिंग का मतलब होता है घृणा। मिसट्रस्ट का जो हिंदी मर्थ होता है वो होता है संदेह, और डस्ट का जो हिंदी मर्थ होता है धूल। तो बताइए इसका मीनिंग एक्सप्रेस कौन है? डिसगस्ट, इसका हिंदी मर्थ होता है घृणा, क्लॉथिंग वस्त्र, लॉथिंग घृणा, मिस्ट्रस्ट संदेह, डस्ट धूल। इसका होगा बी ऑप्शन। आपको क्लियर क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि डिस्कस्ट मीन्स घृणा और लॉथिंग मीन्स घृणा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, जैसे लिखा EN 13 क्वेश्चन है, EN MITY, एनिमिटी जो हिंदी मर्द होता है वो होता है दुश्मनी। क्या होता है? दुश्मनी। और जो इरेशन लिखा है इसका जो हिंदी मर्द होता है वो होता है अज्ञानी। एफुलनेस, इसका जो हिंदी मर्द होता है वो होता है बुरा। ऑडासिटी, जो इसका जो हिंदी मर्द होता है वो होता है हिम्मत। और ये आगे हॉस्टिलिटी, इसका जो हिंदी मर्द होता है वो होता है शत्रुता। और शत्रुता और दुश्मनी शेम हो गई, तो इसका क्या होगा? 13 में का डी। क्लियर फ्रेंड्स? आगे देखिए, इन क्वेश्चंस नंबर 14 to 16, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। फ्रेंड्स आपको अपोजिट बताना है, वही वाली बात है। आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसके चार ऑप्शन दिए जाएंगे, इन चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन का अपोजिट क्या होगा। विलोम शब्द बताना है आपको, तो मैं आपको एक एक करके इनकी हिंदी बताता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स इकोनॉमिकल, इसका जो हिंदी मर्द होता है वो होता है आर्थिक या लाभप्रद, आर्थिक या लाभप्रद। आगे लिखा है एक्स्ट्रावेगेंट, इसका जो हिंदी मर्द होता है वो होता है खर्चीला। स्टिंगनी, आगे प्रॉस्पर्स और बिनोवोलेंट, इन सभी का जो हिंदी मर्द होता है, प्रॉस्पर्स का जो हिंदी मर्द होता है वो होता है सुखी, और
बेनेवोलेंट का जो हिंदी मर्द होता है वो होता है दयालु। तो फ्रेंड्स आप बताइए इसमें गलती क्या है, बताइए जल्दी बताइए फ्रेंड जल्दी। तो अच्छा फ्रेंड्स ऐसा करता हूँ मैं आपके लिए दोबारा से उसकी हिंदी बता रहा हूँ, समझना ढंग से। इकोनॉमिकल का मतलब होता है आर्थिक, और जो स्टिग्नी उसका जो हिंदी मर्द होता है अनिच्छा से खर्च, यानी अनिच्छा से खर्च। प्रॉस्पर्स का जो हिंदी मर्द होता है वो होता है सुखी, और बेनेवोलेंट का मतलब जो हिंदी में होता है वो होता है दयालु। तो फ्रेंड्स बताइए इनमें से क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, इसका हो खर्चीला। भाई इकोनॉमिकल का लाभप्रद, और लाभप्रद का मतलब होता है जोड़ कर रखना, और जोड़ कर जो बंदा रखे वो क्या कर देगा, खर्च कर देगा, तो इसका हो जाएगा एक्स्ट्रा वेगेंट, खर्चीला। क्लियर फ्रेंड्स। आगे देखिए WEAR, बियरी, बियरी का जो हिंदी मर्द होता है वो होता है सुस्त। टायरसम इसका मतलब होता है कष्टकर, और एनर्जेटिक इसका जो हिंदी मर्द होता है वो होता है ऊर्जावान। यूज होता है बेकार, और टॉन होता है फटा हुआ। तो फ्रेंड्स बताइए इसका वियरी का जो अपोजिट होगा, सुस्त का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, कष्टकार होगा, ऊर्जावान होगा, कि बेकार या पुराना होगा, या टॉन फटा हुआ होगा, बताइए क्या होगा। ठीक है, वियरी में सुस्त होता है, और सुस्त का उल्टा क्या हो जाएगा, ऊर्जावान यानी एनर्जेटिक। क्लियर फ्रेंड्स। आगे देखिए एवोलिस, ABOLISH, एवोलिस, एवोलिस का जो हिंदी मतलब होता है तोड़ना, क्या होता है, तोड़ना। आगे डेमोलिस, डेमोलिस का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है तोड़ना। एलिमिनेट इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है मार देना। और आगे एरा डिकेट इसका जो हिंदी मर्द होता है वो होता है जड़ से उखाड़ना। और जो आगे लिखा है एस्टेब्लिश इसका जो हिंदी मर्द होता है वो नीम डालना। क्या बताया था फ्रेंड्स, एवोलिस का जो हिंदी मर्द होता है वो होता है तोड़ना, डेमोलिस का जो हिंदी मर्द होता है वो होता है तोड़ना, एलिमिनेट का जो हिंदी मर्द होता है मार देना, एराडिकेट का जो हिंदी मर्द होता है वो होता है जड़ से उखाड़ना, और एस्टेब्लिश का जो हिंदी मर्द होता है वो होता है नींव डालना। अब बताइए आप फ्रेंड्स इनमें से, तो फ्रेंड्स बताइए इसमें से क्या होगा, इनमें से होगा आपका एस्टेब्लिश, यानी जब कोई बंदा तोड़ेगा तो उसकी नीम भी रखेगा, तो इसका अपोजिट हो गया। क्लियर फ्रेंड्स। आगे देखिए इन क्वेश्चंस नंबर 17 to 20 फॉर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द अंडरलाइंड ईडियम फ्रेज, यानी आपको ईडियम्स फ्रेज बताने हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज एंड मार्क इट इन इट इन द आंसर शीट, यानी आपको वही वाला बात है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसी क्वेश्चन के बाद में आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, इन चारों में ऑप्शन में से आपको कोई एक करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्रेंड देखते हैं उसे, देखिए जैसे 17 रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इसका जो हिंदी मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, ये नहीं होगा कुत्ते बिल्ली में लड़ाई होना, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ये ईडियम फ्रेज है। तो इसका ऑप्शन है हैवली, ड्रिजलिंग, एस्कडलिंग या थिनली, बताइए क्या होगा। चलिए फ्रेंड मैं बताता हूँ आपको, इसका ऑप्शन होगा सही करेक्ट हैवली, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। ठीक है, आगे टू बी इन हॉट वाटर इसका ऑप्शन है टू बी इंटरवल, या टू बेथ इन हॉट वाटर, टू जंप इन टू अ पूल, टू कमिट अ सुसाइड, बताइए क्या गलत सही है इसमें। चलिए फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, टू बी इन ट्रबल इसका मतलब होता है परेशानी में पड़ना, इसका ऑप्शन ये सही है, ये आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, और याद करने पड़ेंगे, इनका कोई रूल्स नहीं होता है। आगे वेट ब्लैंकेट इसका ऑप्शन है गुड कॉम्पिनियन, वार्म एंड फ्रेंडली, किल जॉय, हेल्पफुल, बताइए क्या होगा। बताइए फ्रेंड्स,
देखिए इसका जो ऑप्शन होगा सर करेक्ट वो होगा सी। किल जॉय का जो हिंदी मर्द होता है वो होता है रंग में भंग डालने वाला व्यक्ति, या रंग में भंग डालना, बेड ब्लैंकेट। इसका जो हिंदी मर्द हो जाएगा रंग में भंग डालना। तो इसका 19 का सी करेक्ट है। आगे टुक टू हर हिल्स, ऑप्शन है वेन डाउन, रैन ऑफ, किक्ड ऑफ हर शूज, रब्ड हर हिल्स। इसमें से बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। इसका होगा रैन ऑफ। रैन ऑफ का जो हिंदी मर्द होता है वो होता है बहा देना, या बहा देना या निकालना। क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इससे आगे मैं आपके लिए लिखा है 21 टू 25। जो मैंने आपको बताया था 5 नंबर का पैसेज कराऊंगा वो अगले वाले सेशन में कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।